मेन इंग्रेडिएंट्स में हमें चाहिए बोनलेस फिश, नमक, मिर्च, लहसुन, नींबू, गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, वाइट क्रस्ट पेपर। सबसे पहले फिश को स्टीम कर लेते हैं। एक पैन में पानी गरम कर लेते हैं और फिश को स्टीम कर लेते हैं। फिश अच्छे से स्टीम हो चुकी है, अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे। एक बाउल में स्टीम फिश को डालेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। हल्दी पाउडर, लहसुन, लेमन जूस, अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून कॉर्नफ्लोर, 1 स्पून और इसे मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसके छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेते हैं। बॉल्स रेडी हैं। अब फ्लेक्स कॉर्नफ्लेक्स को क्रश कर लेते हैं। बॉल्स के बाहर हम कॉर्नफ्लेक्स लगा लेते हैं जो हमने क्रश कर लिया था। वन बाय वन सभी को कर लेंगे ऐसे ही। मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स यूज़ करा है। आप चाहें तो मक्की का जो आटा होता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बॉल्स हमारे रेडी हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। एक पैन में ऑयल गर्म कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब फिश बॉल्स को फ्राई कर लेते हैं। इसे धीमी आंच पर ही इसे पकाना है। इसे फ्लिप कर लेते हैं। फिश बॉल्स अब हमारे बनकर रेडी हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब हम इसे फ्लिप कर लेते हैं। अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। फिश बॉल अच्छे से दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स
फिश बॉल रेसिपी बनकर एकदम रेडी है। आप इसे एंजॉय कर सकते हैं सॉस के साथ। मैं तो जा रही हूँ इसे टेस्ट करने के लिए। अब आपकी बारी है। क्रंची भी है और खाने में बहुत सॉफ्ट है। फ्रेंड्स, ये बहुत इजी रेसिपी है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय फ्रेंड्स।